श्री लक्ष्मी करती हैं उल्लू की सवारी। जब माँ लक्ष्मी के अपने वाहन चुनने का समय आया तो संसार के सभी जीव जंतु उन्हें मनाने लगे कि वो अपना वाहन उन्हें ही बनाए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं कार्तिक अमावस्या को धरती पर आऊंगी, तब मेरा सत्कार करने वाले को ही मैं अपना वाहन चुनूंगी। कार्तिक अमावस्या की काली रात में सिर्फ उल्लू ही माँ लक्ष्मी का स्वागत कर उन्हें प्रसन्न कर सका, अतः उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन बना। उल्लू को वाहन बनाने के पीछे एक और अर्थ है। जैसे उल्लू दिन में अंधा होता है, वैसे ही बिना बुद्धि के धनवान व्यक्ति अपनी समृद्धि से अंधा हो जाता है। इसीलिए श्री हरि, जो धर्म बुद्धि व सभी सद्गुणों के प्रतीक है, जब भी लक्ष्मी उनके बिना उल्लू पर सवार होकर यात्रा करती हैं, तो वो जिस व्यक्ति को मिलती हैं, यदि उसके पास बुद्धि ना हो तो वो दौलत से अंधा होकर खुद का नाश कर लेता है। इसके विपरीत माँ लक्ष्मी जब प्रभु विष्णु संग यात्रा करती हैं, तो वो गरुड़ पर सवार होती हैं, क्योंकि गरुड़ ज्ञान का प्रतीक है।